हेलो बच्चों, अब देखो सर्दियों का माहौल है। अभी गर्मी पे नहीं जाते, सर्दियों के पे रहते हैं। सर्दियों के माहौल में सबसे अच्छा क्या लगता है? कहीं पर कोई आग लगी हो और हम हाथ सेक लें, आग लगी हो हाथ सेक लें, मजा आ जाता है, एकदम मजा आ जाता है। कुछ लोग तो आग लगाते हैं ताकि हाथ सेक सके। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, सर यहाँ भी न्यूटन, हर जगह न्यूटन, न्यूटन ही न्यूटन है। तो फिजिक्स में बेटा न्यूटन का एक बहुत ही बड़ा रोल है, हर जगह न्यूटन छाया हुआ है। किसी भी चैप्टर में उठा के देखो कहीं ना कहीं तो वो है। काश उस दिन उसके सर पे एप्पल ना गिरा होता, तरबूज गिरा होता, बढ़ गया होता वो। छोटी सी अर्थ पे यहाँ पर डॉट लगा देंगे ना, शायद वो भी औकात नहीं है इंसान की। इतना छोटा इंसान है, इंसान घमंड लेकिन बहुत बड़ा है। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है थर्मल प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 4, और इसमें हमें बात करनी है हीट ट्रांसफर के रेडिएशन के बारे में। बेटा रेडिएशन एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी कंडक्शन और कन्वेक्शन को पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेटा आज हमें जिसकी बात करनी है बेटा वो है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है बेटा? रेडिएशन में हीट एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट एनर्जी ट्रेवल करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो क्या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी नहीं जा रही होती? तो बेटा दोनों तरफ एनर्जी जाती है, हायर से लोअर भी आती है, लोअर से हायर भी आती है, लेकिन नेट फ्लो जो होता है वो हायर से लोअर की तरफ हो रहा होता है, ठीक है ना। और किस तरीके से होता है रेडिएशन के अंदर? तो बेटा ये होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना। ईएम रेडिएशंस क्या होती हैं? ईएम वेव्स क्या होती हैं? तो जो सन से हमें रेज मिल रही है ना बेटा, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। जैसे लाइट आ रही है हमारे पास, विजिबल लाइट जिसे आप कह सकते हो, पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो हमारा ईएम रेडिएशन होता है। चाहे उसमें आप इंफ्रारेड की बात कर लो, चाहे उसके अंदर आप अल्ट्रा वायलेट की बात कर लो, चाहे उसके अंदर आप एक्सरेज की बात कर लो, चाहे उसके अंदर आप जो है माइक्रोवेव रेडियो वेव्स की बात कर लो, ये पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है ना जो सन से हमें मिल रहा है, ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केवल सन से आती है? नहीं बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, हर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो या मैं ही क्यों ना हो। आपको पता है बेटा कि आप और मैं जो हैं ये लगभग 100 वॉट के बल्ब के बराबर हैं। आप और मैं 100 वॉट के बल्ब के बराबर हैं, मतलब हम में से जो एनर्जी हर सेकंड बैठे बैठे निकल रही है ना, तो बेटा वो है अप्रोक्सीमेटली 100 जूल्स पर सेकंड। 100 वॉट का बल्ब जब जलता है, इतनी रोशनी वो करता है, इतना गर्म वो हो जाता है, कितनी एनर्जी पर सेकंड वो प्रोड्यूस कर रहा? तो बेटा वो 100 जूल्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा। तो हम और आप भी लगभग 100 जूल्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहे। आप और हम 100 वॉट के बल्ब है बेटा। किसी रूम के अंदर अगर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं तो उस रूम के अंदर बहुत गर्मी हो जाती है, ठीक है ना। क्यों गर्मी हो रही है? बिकॉज हर एक बच्चे को आप इमेजिन कर सकते हो 100 वॉट के बल्ब के साथ, 100 वॉट के बल्ब के साथ आप उसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हर एक बच्चा 100 वॉट का बल्ब है और एक रूम के अंदर 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो बेटा कि 50 100 वॉट के बल्ब जल रहे हैं उसमें, तो कितना गर्मी उस रूम के अंदर पैदा हो रहा होगा। और उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए आपको एसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आ रही बेटा बात समझ में आपको? तो हम लोग बैठे बैठे भी 100 जूल्स पर सेकंड को उड़ा देते हैं हवा में। इसलिए अगर हम सारा दिन बैठे भी रहे ना, लेटे भी रहे, तो भी हमें थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, भूख लगेगी, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या हो रही है? बैठे बैठे भी लूज हो रही है। हमारे शरीर से 100 जूल्स पर सेकंड निकलता हुआ चला जा रहा, हमारे शरीर से 100 जूल्स पर सेकंड निकलता हुआ चला जा रहा है। आ रही बेटा समझ आपको? जब हमें कंबल में अपने आप को लपेट लेते हैं तो कंबल गर्म हो जाता है। कंबल गर्म हो जाता है, क्यों गर्म होता है बेटा? क्योंकि हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट को वो ट्रैप करता है, और हमारी बॉडी से 100 जूल्स पर सेकंड निकल रहा है, तो उस कंबल के अंदर 100 जूल्स पर सेकंड ट्रैप होता जा रहा। थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है अंदर का, और जो टेम्परेचर अंदर का बढ़ जाता है वो उसमें हमें वार्म फील होता है। चलो अब हमें थोड़ा वार्म फील हो रहा है,
कंबल से बाहर निकलते ही वापस ठंड लगती है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर तो अभी कम ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि बेटा हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे बोर्ड क्यों ना है, चाहे दीवार क्यों ना है, चाहे ये पेन क्यों ना है, चाहे कुर्सी क्यों ना है, टेबल क्यों ना है, जिस रजिस्टर पे आप लिख रहे हो वो रजिस्टर क्यों ना है, हर एक ऑब्जेक्ट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। कैसे रेडिएट कर रहा है बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है, जब वो वापस जंप करते हैं तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलता है, एनर्जी बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअसली जो ये जंपिंग है इलेक्ट्रॉन्स की वो होती जा रही है, उसमें से एनर्जी बाहर निकलती चली जा रही है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारी एनर्जी है, और वो एनर्जी लूज करता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है, ठीक है ना। बाहर से एनर्जी गेन भी कर रहा है, उसको बाहर से भी तो एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन वापस एक्साइट हो जाते हैं, गर्मी आ गई उसके अंदर, अब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए और फिर वापस जंप करेंगे तो एनर्जी बाहर निकली। तो कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, कंटिन्यूअस एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको एनर्जी मिल ज्यादा रही है, जा कम रही है, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके अंदर बढ़ती हुई चली जा रही है, आपका टेम्परेचर राइज होता हुआ चला जा रहा है। बट जैसे जैसे आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, आपकी अंदर से निकलने वाली एनर्जी भी बढ़ती जा रही है, डिटेल में हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको डेली लाइफ में आसपास दिखती है जहां से रेडिएशन आपको देखने को मिलता है, थोड़ी सी हम उसकी चर्चा करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम फिजिक्स करते हैं डेली लाइफ से रिलेट, ठीक है ना। तो आइए करते हैं सबसे पहले चर्चा, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। बेटा द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन को जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, बेटा वो सन से मिल रही है, सन से हम कंटिन्यूअसली अर्थ पर एनर्जी जो है वो आती हुई चली जा रही है, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी उसको मिल रही है, लाइट भी आ रही, इंफ्रारेड भी आ रही, एक्सरेज भी आ रही, अल्ट्रावायलेट भी आ रही। हाँ, अल्ट्रावायलेट को रोकने के लिए ओजोन लेयर लगा रखी है, अल्ट्रावायलेट हमारे लिए बहुत खतरनाक है, तो उसको रोकने के लिए हमने ओजोन लेयर लगा रखी है, तो फिल्टर का काम कर रही, छन्ने काम कर रही है, वो बाकी रेडिएशन को आने देती है और अल्ट्रावायलेट को सोख लेती है, अल्ट्रावायलेट को फिल्टर करके बाकी को अंदर आने देती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चा, ठीक है ना। अब इतना रेडिएशन अर्थ को मिलता है तो अर्थ का हाल क्या होता है, अर्थ का हाल बड़ा ये हो जाता है, पसीने से चकनाचूर, पसीना हो जाती है अर्थ, उसमें जितने लोग होते हैं उनका हाल ये हो चुका होता है, इतना रेडिएशन आ रहा होता है, गर्मी बहुत पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना। अब आप लोगों को तो पता ही है, मैंने एक लेक्चर में बता ही दिया था, आप लोगों को मालूम पड़ चुका मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली की गर्मी, दिल्ली गर्मी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत खतरनाक गर्मी होती है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। और वो समय आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, सर्दियां खत्म होती जा रही हैं, गर्मियां आने लगी हैं, अब जैसे ही गर्मी आएगी पसीना 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 हो जाएंगे बेटा, हम लोग भी यहाँ पे आप खड़े होकर पढ़ा रहे होंगे, पसीना पसीना, एसी चलाना पड़ेगा हमको भी, ठीक है ना। तो ये हाल होता है बेटा इसका, अर्थ का, क्यों, सन से रोशनी आ रही, सन से रेडिएशन आ रही है और हाल बेहाल हो चुका है अर्थ का। अब देखो सर्दियों का माहौल है, अभी गर्मी पे नहीं जाते, सर्दियों के पे रहते हैं, सर्दियों के माहौल में सबसे अच्छा क्या लगता है, कहीं पर कोई आग लगी हो, अरे हम हाथ सेक ले, आग लगी हो हाथ सेक ले, मजा आ जाता है, एकदम मजा आ जाता है। कुछ लोग तो आग लगाते हैं ताकि हाथ सेक सके समझ लो ना क्या कह रहा हूं मैं, कुछ लोग तो जानबूझ के आग लगाते हैं ताकि हाथ सेक सके, ठीक है ना। तो ये हम कह रहे हैं कि देखो जब यहां पर फायर जल रहा है, फायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इससे क्या निकल रहा है, इससे निकल रही है रेडिएशन। तो अब आपने आग को टेस्ट ना किया है कि कंडक्शन के थ्रू आप पे पहुंचेगी रेडिएशन, आग तक आपके पास जो हीट एनर्जी आ रही है बेटा वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है, ये एयर में हीट एनर्जी को फेंक रहा है, रेडिएशन के थ्रू आपके हाथ तक एनर्जी पहुंच रही है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं आप घर के अंदर, सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग घर में इस्तेमाल होता है, सब लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक हीटर से एनर्जी निकल रही है वो आपको मिल रही है बेटा, तो ये भी किस फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, ये भी रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है और रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी मिलकर आप, अब ऐसा नहीं है कि कंडक्शन है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि कन्वेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कन्वेक्शन हो रहा होता है, थोड़ा बहुत कंडक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन प्राइमरली जो यहां पर हो रहा वो रेडिएशन के जरिए एनर्जी आप तक पहुंच रही, रेडिएशन के जरिए एनर्जी आप तक पहुंच रही। और कहां यूज बेटा इसका, देखो इंफ्रारेड
विजन के अंदर आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो नाइट विजन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। कुछ कैसे कैमरे होते हैं जो बेटा कैप्चर करते हैं इमेज को, रात में भी कैप्चर करते हैं इमेज को, कैसे, उससे निकलने वाली हीट एनर्जी को सेंस करके। तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग कलर आपको दिखते हैं। जो हिस्सा 20 डिग्री टेम्परेचर पर है वो ग्रीन दिख रहा, जो हिस्सा अभी 35 डिग्री के आसपास है थोड़ा लाल लाल दिख रहा है बेटा। बेटा अलग अलग टेम्परेचर पर जो है वो हिस्सा आपको अलग अलग दिख रहा। अब देखो यहाँ पे पेड़ देखो बेटा, पेड़ किस टेम्परेचर पर दिख रहे हैं आपको, 10 डिग्री पे दिख रहे हैं आपको, 10 डिग्री पे दिख रहे हैं, पर ठंड का माहौल है इस टाइम पे। आप इस इमेज को देख के बता सकते हो कि ठंड का माहौल है, और इस ठंड के माहौल में आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत ही ठंडा हिस्सा है, ये बहुत ठंडा हिस्सा है, पेड़ बहुत ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पर जो आपको घर दिख रहे हैं, जो घर जिस मटेरियल के बने हुए हैं, उनका टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास है, और वही टेम्परेचर आप देखोगे तो बेटा वो इस घोड़े का भी स्किन का टेम्परेचर दिख रहा है। लेकिन जहां पर ये जहां से ये ब्रीद इन कर रहा है, ब्रीद आउट कर रहा है, ठीक है ना, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, और कितना है, लगभग 30-35 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर वो चल रहा है इस एरिया में। 30-35 आंखों के आसपास टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पर इसका हार्ट होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पर आपने पूरी एक इमेज बना दी है। तो बेटा ये काम होता है इन्फ्रारेड कैमरे का नाइट में देखने के लिए, ठीक है, समझ में आएगा आपको। चलो ये थी बेटा डेली लाइफ की एप्लीकेशंस। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आ गया होगा कि अच्छा हम कुछ अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, तो जरा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल होते हैं यहाँ पर, और स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर कि क्या क्या हमें एग्जाम में आता है, कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी होती है, ठीक। सो रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे, इसमें एनर्जी ट्रेवल कर रही, कैसे ट्रेवल कर रही, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर एक ऑब्जेक्ट एमिट करता है क्योंकि उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, जो एक्साइड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ईएम रेडिएशंस को एमिट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी है आप ऑलरेडी जानते ही। तो मान लिया मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ टेम्परेचर बेटा टी है, ठीक है ना, इस पर हमने कुछ एनर्जी को फॉल करवाया, यह है एनर्जी इंसिडेंट, क्या क्या हो सकता है इस एनर्जी के साथ। तो कुछ एनर्जी जो है वो बेटा रिफ्लेक्ट हो सकती है, क्यू रिफ्लेक्टेड, कुछ एनर्जी इसके बेटा एब्जॉर्ब हो सकती है, क्यू एब्जॉर्ब, और कुछ एनर्जी क्या होगी बेटा इससे आर पार हो जाएगी, क्यू ट्रांसमिटेड। यही तीन काम हो सकते हैं इस एनर्जी के साथ। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि जो क्यू इंसिडेंट है इट शुड बी इक्वल टू आइदर रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड, यही हो सकता है, बस तीन कहानी इसके साथ, ठीक। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको क्यू आई से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा क्यू आर बाय क्यू आई, क्यू ए बाय क्यू आई, क्यू टी बाय क्यू आई। एनर्जी रिफ्लेक्टेड पर यूनिट एनर्जी इंसिडेंट, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिव पावर, QA by QY की बात करें तो बेटा ये क्या है, ये है एब्जॉर्बेंस, या इसको बोलते हैं बेटा क्या, एब्जॉर्प्टिव पावर। QT by QY को बोलते हैं बेटा ट्रांसमिटेंस, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिटिव पावर। हमने इसको देख के लिख दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इन तीन चीजों के अलावा एक और चीज हो सकती है क्या, कमेंट करके बताओ, इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस, इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, मतलब एक तो इंसिडेंट कह दिया, एक रिफ्लेक्ट हो गया, एक एब्जॉर्ब हो गया, एक ट्रांसमिट हो गया, इसके अलावा एक और चीज हो सकती है यहां पर, क्या हो सकती है बेटा, कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट, जस्ट कमेंट एंड टेल मी कि क्या हो सकती है, क्या हो सकती है वो चीज, ठीक है ना। देखो थोड़ा वो हो सकती है एमिशन, क्या हो सकती है, अलग रंग से बनाऊंगा, अलग रंग से बनाएंगे इसको हम, बड़ा वो क्या सकती है एमिशन, क्यूई एमिशन, बेटा एमिशन अलग है और रिफ्लेक्शन अलग है।
एमिशन है मतलब उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही वो एमिशन है, रिफ्लेक्शन जो उस पर पड़ रही वही रिफ्लेक्ट हो गई, जो उस पर पड़ रही ना वही रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज रिफ्लेक्शन। एमिशन मतलब उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही, दैट इज द एमिशन। ठीक है, तो एमिशन एक अलग चीज है। ठीक है, तो हमने यहां पर ये सब बातें कर ली, अब थोड़ी सी एमिशन की बातें करते हैं। ठीक है, सो पावर कितना एमिट होता है ना, इसके लिए हमारे पास एक लॉ है, उसको बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। क्या होता है स्टीफेंस लॉ? तो स्टीफेंस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना और उसका टेम्परेचर कुछ टीबी है, टेम्परेचर बॉडी है टीबी, ठीक, तो इससे जो पावर एमिट हो रही है, पी क्या है, यह है पावर एमिटेड। क्या है ये? पावर एमिटेड। तो जो भी इससे पावर एमिट हो रही है वो किसके बराबर है बेटा? तो पावर एमिटेड होता है बेटा सिग्मा, इसको बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट। क्या है बेटा ये है स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा ए। ए क्या है बेटा? इसका सरफेस एरिया। ए क्या है? इसका सरफेस एरिया। तो लेट अस से ए सरफेस एरिया, सिग्मा ए ई। ई क्या है? ई को बोलते हैं एमिसिविटी। क्या बोलते हैं इसको? एमिसिविटी। सिग्मा ए ई टीबी की पावर फोर, टीबी की पावर फोर। ये टीबी क्या है बेटा? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, ये टीबी की पावर फोर। सिग्मा ए ई टीबी की पावर फोर, सिग्मा ए ई टीबी की पावर फोर इज पी, दैट इज द पावर एमिटेड। तो पावर एमिटेड क्या है बेटा? पावर एमिटेड इज सिग्मा ए ई टीबी की पावर फोर। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, तो पावर एमिटेड हमारे पास ये आ रही है। अभी आप कहोगे सर इसके अंदर सर सिग्मा क्या है, सरफेस एरिया समझ में आ रहा है, टेम्परेचर समझ में आ रहा है, लेकिन सर ई क्या है? ठीक है, तो सिग्मा मेरा मतलब स्टीफेंस कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है बेटा 6.5.67 इंटू 10^-8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, एक्सपेरिमेंटली निकलती है बेटा ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ रही 5.67 10^-8, सिंपल सी बात। एमिसिविटी क्या होती है बेटा? तो एमिसिविटी ई इज इक्वल टू पावर एमिटेड, पावर एमिटेड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय पावर एमिटेड बाय एन आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी, आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका? और यहां पर जो हमने टर्म लिखा ये ब्लैक बॉडी, ये क्या चीज बोला, ये क्या चीज है भैया ब्लैक बॉडी? तो पहले तो आइडेंटिकल मतलब क्या? तो जो शेप एंड साइज, जो शेप एंड साइज आपकी इस बॉडी का है वही शेप एंड साइज की आपकी ब्लैक बॉडी भी आपको लेनी है। जो टेम्परेचर इस बॉडी का है वही टेम्परेचर आपको ब्लैक बॉडी का भी लेना है। तो हमारे पास दो बॉडी हो गई, जिसका एमिसिविटी निकालना है वो, और उसके जैसी ही एक ब्लैक बॉडी हो गई। दोनों का टेम्परेचर सेम है लेकिन दोनों से निकलने वाली एनर्जी अलग अलग है, क्योंकि बॉडी अलग अलग है, ये ब्लैक बॉडी है और ये नॉर्मल बॉडी है। ठीक है ना, सो ब्लैक बॉडी इज गोइंग टू एमिट मोर बिकॉज ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एमिटर एंड अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। अब आप कहेंगे ये चीज क्या है, मतलब क्या है इसका? तो ब्लैक बॉडी की यहां पर करते हैं चर्चा। सबसे पहले तो क्या होती है ये ब्लैक बॉडी? तो हमने कहा देखो, हमने अभी ध्यान से देखो ना इस बात को, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। तो हम कह रहे कि इट इज द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी और कैसे रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, जो वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है जो इस पर गिर रही होती है।
ठीक है, वो सारी रेडिएशन जो इस पे गिर रही है सबको क्या अब्सॉर्ब कर लिया, यहां से रेडिएशन आई अब्सॉर्ब कर लिया, यहां से रेडिएशन आई अब्सॉर्ब कर लिया, यहां से रेडिएशन आई अब्सॉर्ब कर लिया, जहां से भी इसको रेडिएशन मिल रही हो क्या कर रहा है, अब्सॉर्ब 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 सबको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अब यहां पे मेरा बेटा एक क्वेश्चन बन रहा है आपसे, मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या बन रहा, आर ऑल ब्लैक बॉडीज, आर ऑल ब्लैक कलर बॉडीज, ब्लैक बॉडीज, आर ऑल ब्लैक कलर बॉडीज, ब्लैक बॉडीज मतलब क्या क्वेश्चन का मतलब है, क्वेश्चन मतलब यह है कि जितनी भी बॉडीज ब्लैक रंग की होती हैं क्या वो सभी की सभी ब्लैक बॉडीज होती है, जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहनी है ठीक है ना, इस तरह क्या बड़ा ब्लैक कलर है ठीक है, तो क्या ये एक ब्लैक बॉडी है, कैन आई से दिस एज अ ब्लैक बॉडी। तो अभी एक बच्चा कुछ बोले तो पहले तो बात तो आप कमेंट करता हो यस और नो, क्या सभी ब्लैक कलर बॉडीज ब्लैक बॉडीज होंगी ठीक है, क्या सभी ब्लैक कलर बॉडीज ब्लैक बॉडीज होंगी ठीक है, कमेंट यस और नो बताओ अपने आंसर को कि क्या सारी ब्लैक कलर बॉडीज ब्लैक बॉडीज होंगी या नहीं होंगी, पहली बात तो आपको बतानी है ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे सर होनी तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो ब्लैक क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जितना भी लाइट उस पर पड़ रहा वो सबको एब्जॉर्ब कर रहा, जितना भी लाइट पड़ रहा सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा, मतलब हर कलर को एब्जॉर्ब कर रहा, ग्रीन को, रेड को, ब्लू को, येलो को, सबको वो एब्जॉर्ब कर रहा। अगर सबको एब्जॉर्ब कर गया तभी ब्लैक दिखेगा, क्यों भाई ब्लैक कब दिखेगा, तभी दिखेगा जब सबको एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, जब वो सबको एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आर ऑल ब्लैक कलर बॉडीज ब्लैक बॉडीज, क्या जितने भी ब्लैक कलर बॉडीज होती हैं वो सभी ब्लैक बॉडीज होती हैं, यस और नो। सो द आंसर इज, द आंसर इज नो, नहीं होती। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि ब्लैक कलर बॉडीज केवल कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही, मतलब केवल विजिबल स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब कर रही, बट अबाउट इंफ्रारेड, वट अबाउट अल्ट्रावायलेट, वट अबाउट दी अदर रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, उनको रिफ्लेक्ट कर रही कि उनको ट्रांसमिट कर रही, क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर सबको एब्जॉर्ब कर जाए तब वो ब्लैक बॉडी कहलाएगा, अदरवाइज ब्लैक बॉडी नहीं कहलाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है बेटा हमारे पास, आर ऑल ब्लैक बॉडीज ब्लैक इन कलर, जितनी भी ब्लैक बॉडीज होंगी उन सबका कलर ब्लैक होगा, बेटा कमेंट करके बताइए यस और नो, क्या जितनी भी ब्लैक बॉडीज होंगी उनका कलर ब्लैक होगा, यस और नो कमेंट करके बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और रीजन भी साथ में लिखो, सर होना चाहिए इसलिए होना चाहिए, अपना रीजन भी लिखो साथ में, हमें भी तो मालूम पड़े कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है, ये बात हमें तो मालूम पड़नी चाहिए ना भाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो फिर क्या ऑल ब्लैक बॉडीज ब्लैक इन कलर, क्या सभी ब्लैक बॉडीज ब्लैक इन कलर होती हैं या नहीं होती हैं, ये बताना है आपको, ठीक। चलो देखो इसका आंसर भी बेटा है नो, बड़ा ही अब इंटरेस्टिंग माहौल बन चुका है। इसका आंसर नो क्यों है भाई, इसका आंसर नो क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर नो क्यों हुआ, हम नहीं खेल रहे भैया, ठीक है ना, इसका आंसर नो क्यों हो रहा है, ठीक है, हमारे हिसाब से इसका आंसर यह होना चाहिए क्योंकि ब्लैक बॉडी तो वो है जो कलर को भी अब्सॉर्ब कर लेती है। अरे भाई ब्लैक बॉडी सबको अब्सॉर्ब करती है ना, तो कलर भी अब्सॉर्ब कर लेती है, तो अगर वो कलर को भी अब्सॉर्ब कर लेती है तो उसको ब्लैक दिखना चाहिए, यस और नो। बट मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब उसके पास कलर कैसे आ सकता है, कलर ऐसे आ सकता है कि अगर वो ल्यूमिनेसेंट हो जाए, ल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या हुआ, वो अपनी लाइट खुद पैदा करना शुरू कर दे, और कैसे पैदा करना शुरू करेगी, अगर उसको आप गर्म करना शुरू कर दो, जैसे आप लोहे को लो, ठीक है ना, आपने लोहे का एक पीस ले लिया, उसको आपने एक अंधेरे कमरे में रख दिया, क्या वो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, आपको सर नहीं दिखेगा। अगर आपने एक लोहा लिया उसको एक रूम में रख दिया, अंधेरे रूम में, तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन उसी को आप भट्टी में डाल दो, उसको आप धधकती हुई भट्टी में डाल दो, अब भट्टी में जब वो गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, काफी गर्म हो गया, अब उसको अंधेरे कमरे में ले जाकर रख दो, तो आपको दिखेगा उसमें से रोशनी निकल रही है, ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा, ग्लो क्यों कर रहा, ग्लो इसलिए कर रहा क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका,
और उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो चुका, तो उसमें से क्या निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, ठीक है ना, और वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर रही है, इसलिए उसका कलर आ गया। तो यहां पर आपको एक बात ये भी समझ में आ रही होगी, जिसकी चर्चा हम आगे चलेंगे करेंगे, कि जब हम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो विजिबल स्पेक्ट्रम में भी एमिट करना शुरू कर देता है रेडिएशन को, मतलब जिन रेडिएशन को वो एमिट कर रहा अब वो इंफ्रारेड से बढ़कर विजिबल स्पेक्ट्रम में चली गई। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो एमिट हो रही थी वो बढ़ती है या वेवलेंथ घटती है। कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आ रही है। इस चैप्टर के अंदर इस गुत्थी को भी हम सुलझाएंगे एक लॉ के जरिए, इसका नाम है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लास्ट में बताऊंगा आपको। जब ये लॉ बताऊंगा समझना ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो खुश हो जाना, हाँ ये लॉ आ गया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आ गया, ठीक है। खैर तो हमने कहा नहीं, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई करके हम उसमें से भी एनर्जी को एमिट करा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सन, सन इज अ वेरी 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 क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी, इट्स अ वेरी 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 क्लोज टू अ ब्लैक बॉडी, ठीक है ना, बिकॉज जितनी भी रेडिएशन पे फॉल करती हैं सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बट उसके पास एक रंग भी होता है, वो चमकता है बेटा, चमकता है और बहुत ब्राइट दिखता है। इनफैक्ट क्यों, बिकॉज टेम्परेचर हाई होता है कि उसमें से रेडिएशन बहुत सारी एमिट हो रही है। जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एमिट नहीं कर सकता, इनफैक्ट इसका उल्टा है। क्या उल्टा है, उल्टा ये है कि अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर एज वेल। अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर एज वेल। एक जो एब्जॉर्बर है जो अच्छा एब्जॉर्ब करता है ना बेटा, वो अच्छा एमिट भी करता है। अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर एज वेल, वो अच्छा एमिट भी करता है। क्यों भाई, अगर मैंने कहा कि मान लिया हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट्स अ गुड एब्जॉर्बर एंड अ बैड एमिटर, गुड एब्जॉर्बर एंड अ बैड एमिटर फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा एमिट कर नहीं रहा, एब्जॉर्ब करता जा रहा एमिट कर नहीं रहा, बहुत कम एमिट कर रहा, तो ऐसा क्या हुआ, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाएगा, बट तब भी एब्जॉर्ब करता जा रहा एमिट कम कर रहा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ते इंक्रीज करते बहुत ही हाई हो जाएगा, ये सन बन जाएगा भैया, ये सन बन जाएगा। तो वो तो पॉसिबल है नहीं, ये तो है ना कि इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर सन से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ा, आपको बात समझ में क्लियर है। तो हम कह रहे हैं अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर एज वेल, एक गुड एब्जॉर्बर जो है वो गुड एमिटर भी होता है। ठीक, चलिए अब हमने कहा कि एमिसिविटी क्या है, तो अब हमने एक बात यह भी कही कि ब्लैक बॉडी से हम कंपेयर कर रहे, ब्लैक बॉडी वो है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, तो बेटा ये एक परफेक्ट एमिटर भी है, इससे ज्यादा एमिट कोई कर नहीं पाएगा, सबसे ज्यादा एमिट करने वाली बॉडी ब्लैक बॉडी होगी अगर उसके जैसे एक आइडेंटिकल बॉडी आप लेकर आते हो तो। सो एमिसिविटी जो होगी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करने वाली है, एमिसिविटी की वैल्यू जो 1 होगी बेटा ये किसके लिए होगी, ये ब्लैक बॉडी के लिए होगी, खुद ब्लैक बॉडी के लिए होगी, मतलब ऊपर भी ब्लैक बॉडी नीचे भी ब्लैक बॉडी तो बनना है बेटा, ठीक है। सो इससे कम ही पावर कोई दूसरी बॉडी एमिट कर रही होगी, इससे ज्यादा पावर कोई दूसरी बॉडी एमिट कर नहीं सकती, तो एमिसिविटी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 होती है, बाकी सबके लिए 1 से छोटी होती है, 0 और 1 के बीच में आपकी एमिसिविटी चलती है। आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। सो पावर एमिटेड आप समझ गए, स्टीफंस लॉ आप समझ गए, और अब हम लोग बात करते हैं इससे आगे, और हम लोग बात करते हैं एमिसिव पावर, हम बात करते हैं एमिसिव पावर। इसको लिखते हैं ईपी से। सो व्हाट इज एमिसिव पावर, तो एमिसिव पावर बेटा होती है पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली एक तरीके से ये इंटेंसिटी है, एमिसिव पावर पावर नहीं है, एमिसिव पावर क्या है, एमिसिव पावर इंटेंसिटी है, ये है पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया। सो व्हाट इज पावर एमिटेड, इट इज सिग्मा ए ई टीबी की पावर 4 डिवाइड बाय ए
ए एंड ए कैंसल्स आउट, सिग्मा ई टीबी की पावर 4। बेटा ये है आपके पास एमिसिव पावर। सो एमिसिव पावर इज सिंपली पावर एमिटेड पर एरिया, दैट मीन सिग्मा ई टीबी की पावर 4, दैट इज द पावर एमिसिव पावर, राइट। समझ गए, चलो अगली बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। वी राइट इट बाय ई लैम्डा। तो देखो बेटा होता क्या है, यहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट आपने रखा ना, ठीक है, तो बेटा इससे जो रेडिएशन निकल रही है ना, उनकी जो वेवलेंथ है वो जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में सारी वेवलेंथ एमिट हो रही है। कोई एक सिंगल पर्टिकुलर वेवलेंथ एमिट नहीं हो रही है, बल्कि सारी वेवलेंथ एमिट हो रही है। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करो, मान लिया आपने लैम्डा नॉट की बात करी, अगर आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करो ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलेगी कि भैया इतना एनर्जी एमिट हो रहा है पर सेकंड, या पार मिलेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, आप बोल सकते हो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक पार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अलग 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 लैम्डा 1 के लिए P1 बोल देते हैं, लैम्डा 2 के लिए P2 बोल देते हैं, अलग 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 वेवलेंथ के लिए अलग अलग पार एमिट हो रहा, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग पावर एमिट हो रहा, ठीक है ना। तो अगर आप पूरी पावर की बात ना करते हुए, पूरी एनर्जी की बात ना करते हुए, आप किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी की बात करो, तो बेटा वो होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ और रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो हम कह रहे ई लैम्डा इज बेसिकली एमिसिव पावर, एमिसिव पावर फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक। और अगर हम सभी वेवलेंथ की पावर को जोड़ दें तो हमें नेट पावर मिल जाएगी, मतलब ईपी मिल जाएगा। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ईपी एंड ई लैम्डा, दैट ईपी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ईपी एंड ई लैम्डा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन ईपी एंड ई लैम्डा, दैट ईपी इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास बेटा ईपी आ रहा। तो व्हाट इज ईपी, ईपी इज ई लैम्डा डी लैम्डा 0 टू इंफिनिटी। आगे बात समझ में आपको, इस तरीके से बेटा हम ईपी की वैल्यू को लिख सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ ईपी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो एमिसिव पावर ईपी आपके सामने आ गया, स्पेक्ट्रल पावर ई लैम्डा आपके सामने आ गया, ये रिलेशन। अब डोंट वरी, इसके ऊपर बेटा आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसकी चिंता आप ना करें। इसके ऊपर बेटा एक मुझे ग्राफिकल चीज आपको समझानी है, ठीक है ना। तो मैं इस चैप्टर के लास्ट में जब मैं आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्कस कर रहा हूं तब बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए बस इस फॉर्मुले को याद करके छोड़ दें, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, आपको रेशो वगैरह पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, तो बेटा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब उसकी हम करते हैं चर्चा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का वही हिस्सा है न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग। हाँ भैया, यहां भी रिटर्न आ गया, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, सर यहां भी न्यूटन, हर जगह न्यूटन, न्यूटन ही न्यूटन है। तो फिजिक्स में बेटा न्यूटन का एक बहुत ही बड़ा रोल है, हर जगह न्यूटन छाया हुआ है, किसी भी चैप्टर में उठा के देखो कहीं ना कहीं तो वो है। काश उस दिन उसके सर पे एप्पल ना गिरा होता, तरबूज गिरा होता, निबट गया होता वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों बैठा था वो, दो चार नारियल गिरते उसके सर पे, वही खलास, फिर इतने टफ होते ही नहीं, ठीक है ना। खैर, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग की बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, और उसका टेम्परेचर है टीबी, और एक सराउंडिंग में रखा गया है टीएस। अब क्योंकि कूलिंग की बात कर रहे, तो हम मान रहे बॉडी का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन सराउंडिंग का टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, वो है टीबी माइनस टीएस। ये है टेम्परेचर का डिफरेंस, टीबी माइनस टीएस, ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर बेटा ये एमिट भी करेगा, एमिट करेगा बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, और यहां पर यह एब्जॉर्ब भी करेगा, एब्जॉर्ब करेगा बिकॉज सराउंडिंग टेम्परेचर। सो व्हाट इज द नेट पावर का फ्लो, व्हाट इज द नेट पावर का फ्लो, सो नेट पावर का फ्लो कितना होगा, जो उसने एमिट किया माइनस जो उसने एब्जॉर्ब किया, है ना भाई। तो वो है नेट आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो, ठीक है ना। सो एमिट कितना किया उसने, तो एमिट करेगा सिग्मा, जो भी इसका सरफेस एरिया होगा, जो भी इसकी एमिसिविटी होगी, टीबी की पावर 4, और एब्जॉर्ब करेगा टीएस की पावर 4। तो ये नेट आ गया हमारे पास, जो एमिट कर रहा वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के हिसाब से एमिट कर रहा, तो आप देखेंगे टीबी की पावर 4, और जो एब्जॉर्ब कर रहा वो एब्जॉर्ब किसके वजह से कर रहा, सराउंडिंग की वजह से कर रहा, तो देखेंगे टीएस की पावर 4। तो टीबी की पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 इज द पावर नेट, इज द पावर नेट। ये हमको मिल गया नेट पावर का फॉर्मूला, दैट इज द नेट पावर।
ठीक है, समझ गए आप बात, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ओके, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला आ रहा, लेकिन अगर इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी, कैन आई राइट पीनट इज इक्वल टू डी क्यू बाय डीटी, डी क्यू बाय डीटी पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो पावर नेट इज पी डी क्यू बाय डीटी, ठीक है। अच्छा जी, सिग्मा ए टी बी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ओके। नाउ डी क्यू, अगर इस बॉडी में से डी क्यू एनर्जी का नेट आउटफ्लो हो रहा तो इसका टेम्परेचर डीटी से गिर जाएगा, एंड आई कैन राइट एम एस माइनस डीटी। व्हाई आई एम राइटिंग माइनस डीटी, बिकॉज टेम्परेचर गिर रहा है, अब क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा नेगेटिव, माइनस डीटी लिखना पड़ेगा। आप इसको डीटी बी कह सकते हो कि बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है इसलिए डीटी बी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अब डीक्यू क्या है, डीक्यू आपके पास आ गया माइनस एम एस डीटी बी बाय डीटी इज सिग्मा ए ई टीबी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला बनकर आ गया। माइनस एम एस डीटी बी बाय डीटी इज सिग्मा ए टीबी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पे टीबी की वैल्यू क्या है, टीबी क्या चीज है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का चीज है, थोड़ा बोला इसको टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कैन बी रिटन एज डेल्टा टी प्लस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, आई कैन राइट दिस, ठीक है। सो लेट मी पुट इट हियर, लेट मी पुट इट हियर, सो माइनस डी टी बी बाय डी टी इज सिग्मा ए ई बाय एम एस, एंड टीबी क्या है हमारे पास, टीबी है टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, ठीक। आई कैन टेक टी एस की पावर 4 कॉमन, आई कैन टेक टी एस की पावर 4 होल कॉमन, इट विल बी सिग्मा ए ई बाय एम एस टी एस की पावर 4 इंटू 1 प्लस डेल्टा टी बाय टी एस की पावर 4 माइनस 1, दैट इज द वैल्यू दैट वी गेट हियर माइनस डी टी बी बाय डी टी। तो व्हाट इज माइनस डी टी बी बाय डी टी, ये होता क्या है, बड़ा इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग क्या है, ये है रेट ऑफ कूलिंग, कितनी रफ्तार से ठंडा हो रहा, कितनी रफ्तार से ठंडा हो रहा, जल्दी जल्दी ठंडा हो रहा या फिर आराम आराम ठंडा हो रहा, यह है रेट ऑफ कूलिंग, फटाफट ठंडा हो रहा या आराम आराम ठंडा हो रहा, यह है रेट ऑफ कूलिंग बेटा। सो रेट ऑफ कूलिंग इज माइनस डी टी बी बाय डी टी इज द रेट ऑफ कूलिंग, किस रफ्तार से टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मुला आ रहा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मुला आ रहा, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग जो डिफरेंस है ना डेल्टा टी, वो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर हम ले रहे मान लिया 300 केल्विन, तो बॉडी का टेम्परेचर ले रहे कुछ 320 330 340 350 10 12 15 डिग्री के आसपास, इतना डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब 10% के आसपास का ले सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 300 डिग्री के लिए आप 20 25 30 डिग्री का डिफरेंस लेते हो, चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, यू कैन टेक इट एज स्मॉल डिफरेंस, ओके। तो यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन लेने वाले हैं, एंड दैट अप्रोक्सीमेशन इज डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू टी एस, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू टी एस। अगर हम कह रहे हैं कि डेल्टा टी बहुत छोटा है टी एस के सामने, तो हम यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, तो बेटा ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, 1 प्लस एक्स की पावर एन इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, दैट इज द वैल्यू दैट वी गेट। बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन इज 1 प्लस एक्स की पावर एन इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहां पर इसको बोल सकते हैं, ये है हमारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक। अच्छा जी, तो ये यहां पर देखो x को बहुत छोटा होना है 1 से, तो डेल्टा टी बहुत छोटा है टी एस से, सो डेल्टा टी बाय टी एस 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो बड़ा ये पावर आगे आएगी 4 आगे आएगा 1 और 1 कट जाएगा, 4 आगे आएगा 1 और 1 कट जाएगा। तो मुझे यहां पे क्या आता हुआ दिख रहा है, फाइनल में यहां लिखता हूं, फिर अगले पन्ने पर इसको लिखेंगे हम। तो बेटा ये आ रहा सिग्मा ए ई बाय एम एस, ठीक है। सो टी एस की पावर 3 प्लस 4, प्लस नहीं आएगा, प्लस हट जाएगा क्योंकि 1 से 1 तो कट रहा, 4 टाइम्स डेल्टा टी, ये हमें मिल रहा है। देखो 4 आगे आ रहा,
टीएस से टीएस क्यूब बन रहा, 1 से 1 कट रहा, तो 4 डेल्टा टी हमें मिल रहा। ये हमें रेट ऑफ कूलिंग मिल गया। अब मैं इसको लिखता हूं अगले पन्ने पर जाकर कि हमें क्या वैल्यू मिली है यहां पर। रेट ऑफ कूलिंग माइनस dTB बाय dT इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ रही, 4 टाइम सिग्मा ए ई बाय MS, 4 टाइम सिग्मा ए ई बाय MS, टी एस क्यूब इंटू डेल्टा टी। अब ये पूरी टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि हम ये नहीं मान रहे कि टेम्परेचर सराउंडिंग चेंज हो रहा। अब ऐसा तो है नहीं ना, मैंने मान लिया एक कप ऑफ चाय लिया, कप ऑफ चाय ठीक ना, और चाय को लेकर, चाय भी नहीं है, चाय भी लो भाई एक कप ऑफ चाय लिया हमने, और कप ऑफ चाय को हमने टेबल पे रख दिया ठीक है। अब उस कप ऑफ चाय की वजह से पूरा गर्म कमरा जो है गर्म हो गया, ये तो होगा नहीं, कमरा बहुत बड़ा है, चाय वो छोटी सी है। दैट इज व्हाट वी आर कंसीडरिंग। हम ये नहीं मान रहे कि चाय की वजह से कमरा गर्म हो गया, हम ये मानेंगे कमरे की वजह से चाय ठंडी हो रही हम ये मानने वाले हैं, ठीक है। आई वाज समझ में आपको, चलो भाई। सो टेम्परेचर सराउंडिंग बेटा कॉन्स्टेंट है, सरफेस एरिया कॉन्स्टेंट है, एमिसिविटी कॉन्स्टेंट है, सिग्मा कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट है। बेटा ये आपके सामने आ चुका, डेल्टा टी आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये फैक्टर भी बेटा आपको याद रखना है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा, किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ कूलिंग इज दिस डेल्टा टी, इज दिस इनटू डेल्टा टी। तो कहीं ना कहीं अब हम ये बोल सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि माइनस dTB बाय dT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये है हमारा रेट ऑफ कूलिंग, ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी बेटा, ये भी काफी कैलकुलेटेड होगी, काफी मतलब e की पावर में चली जाएगी। आप देखोगे कैसे मैं लिखता हूं, मान लिया मैंने इस कॉन्स्टेंट को k मान लिया, तो ले सकते हैं ना यहां पर माइनस dTB बाय dT इक्वल्स टू k टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टीबी माइनस टीएस, इसको नीचे लेकर आएंगे। सो माइनस dTB बाय टीबी माइनस टीएस इज इक्वल टू के dT, नाउ विल इंटीग्रेट। टी इक्वल टू 0 पे मान लेते टेंपरेचर ऑफ द बॉडी इज टीबी इनिशियल, टी टाइम पर टेंपरेचर ऑफ द बॉडी हमको निकालना है। सो दिस विल बी लॉग टीबी माइनस टीएस टीबीआई टू टीबी इक्वल टू माइनस केटी इक्वल टू माइनस केटी, ठीक। यहां पर सॉल्व करते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा बेटा लॉग टीबी माइनस टीएस डिवाइड बाय टीबी इनिशियल माइनस टीएस, ठीक है। ये मिल जाएगा टीबी इनिशियल माइनस टीएस ही मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल्स टू माइनस केटी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस केटी। सो टीबी माइनस टीएस इज टीबी आई माइनस टीएस ई टू द पावर माइनस केटी, ये मिल जाएगा। सो टीबी की वैल्यू मिल रही टीएस प्लस TBI माइनस TS e टू द पावर माइनस KT, ये हमको मिल जाएगा। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ TB। सो TB इज TS प्लस TBI माइनस TS e टू द पावर माइनस KT, दैट इज द वैल्यू ऑफ TB। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको बोल सकते हैं, समझ गए। कोई परेशानी वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। ये हमारा आंसर यहां पर आ गया, TB इक्वल्स टू TS प्लस TBI माइनस TS e टू द पावर माइनस KT, That is the value of TB. ये हमें TB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है भाई। कोई परेशानी नहीं, क्लियर है, चलो पढ़ते हैं आगे। बट अगेन दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनाकर देना इज वेरी टफ। आपसे डायरेक्टली ये पूछे तो बात अलग है। इसका ग्राफ पूछ सकते हैं आपसे कि बॉडी का टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा होगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वर्सेज टाइम कैसे जा रहा होगा, ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि भैया टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पर क्या है, टी इक्वल टू 0 पर ये कितनी 1 है, तो TSTS कट गया, कितना आ गया TBI आ गया, ठीक है। अब यहां से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा, कहां तक जाएगा ये TS तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम में ये टेंपरेचर 0 हो जाएगी तो TS बचेगा। सो एक्सपोनेंशियली घट रहा है और उसका टेंपरेचर क्या है TS के बराबर अल्टीमेटली आने वाला है। सो ऑब्वियसली बात है, जो भी ऑब्जेक्ट है ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका अल्टीमेट टेंपरेचर सराउंडिंग टेंपरेचर के बराबर तो होना ही वाला है, ठीक है। पर वो कैसे हो रहा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज के साथ हो रहा, ऐसे घटते 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 TS होने वाला है, ठीक है। अभी क्या होगा ना, मेडिकल वाले बच्चा सर पकड़ लेगा, ओ सर हमसे नहीं हो पाएगा,
सर बहुत मैथ हो गई, सर बहुत मैथ है, हम नहीं करेंगे, हमारे बारे में कुछ सोचो सर, हमारी मैथ भन्नाट नहीं है, हमें बताओ कि हम क्या करें। डरना बिल्कुल नहीं है, अपुन है ना, डरना नहीं है। क्यों? देखो, आपको क्या करना है, आपको बेटा ये ग्राफ याद करना है, मेडिकल के बच्चों के लिए आपको ग्राफ याद करना है, ठीक। अगर बहुत इच्छा करे तो ये याद कर लेना रिजल्ट, वरना ये रिजल्ट भी मेडिकल बच्चों से पूछा नहीं जाता नॉर्मली, ठीक है। तो ये ग्राफ याद कर लो, इनफ है पहली बात। दूसरी बात, आपको ये फॉर्मुला याद करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और तीसरी बात, अब जो मैं फॉर्मुला दूंगा वो याद करना है, इसके अलावा एक एवरेज फॉर्मुला हमारे पास। अच्छा, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी वो एवरेज फॉर्मुला याद करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन इंजीनियरिंग में भी आएगा और मेडिकल में भी आएगा। तो हमने लिखा माइनस डीटीबी बाय डीटी इक्वल्स टू केटी, ठीक, ये है। तो हम कह रहे हैं इसको हम लिखेंगे एवरेज से। नाउ व्हाट इज एवरेज? एवरेज है माइनस डेल्टा टीबी बाय टी इज केटी, ठीक है ना? केटी नहीं, इज इक्वल्स टू डेल्टा टी, नॉट केटी, इज इज के डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ? टीबी माइनस टीएस। ओहो, टीबी माइनस टीएस। अब जब टीबी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टीबी का भी एवरेज लिखेंगे, टीबी बदल रहा है, टीएस तो कॉन्स्टेंट है ना, लेकिन टीबी बदल रहा है, टीबी की वैल्यू चेंज हो रही है। अब बिकॉज टीबी की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें टीबी की भी एवरेज वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। सो दैट्स द एवरेज, ठीक है, दैट्स द एवरेज। नाउ व्हाट इज डेल्टा टीबी? तो सपोज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग फ्रॉम टीबीआई टू टीबीएफ इन टाइम टी, सो डेल्टा टी B is equal to TBF minus TBI, final minus initial. Take, if I put it here, I'll get minus TBF minus TBI divided by T is K. Now, what is TB average? So, you said TB average is TBI plus TBF divided by 2. That's the average. So, write TBI minus TBF plus TBF divided by 2 minus TS. That's the fix here. तो माइनस अगर अंदर लेके जाएंगे तो टीबीआई माइनस टीबीएफ। नाउ इनिशियल से माइनस इसलिए फाइनल कर रहे क्योंकि कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर घट रहा है, तो टीबीआई माइनस टीबीएफ डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू के टीबीआई प्लस टीबीएफ डिवाइड बाय 2 माइनस टीएस। दैट्स द फॉर्मूला, ये एवरेज फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मेडिकल में भी आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग में भी आएगा, डेरिवेशन की चिंता नहीं है आपको, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना बस। सो मेडिकल वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है? तो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आ जाओ, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं उसके बाद, ठीक है? सो क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो 50 से 40 हो रहा 10 मिनट में, 40 से 30 हो रहा कितने समय में, बताना है आपको। सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो बस पॉज करें बेटा, फटाफट आंसर लिखें, कमेंट में बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा। अब मैं सॉल्व कर रहा, 5 से गिनती करने के बाद टिक टिक 1 टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5 सॉल्व कर रहा, ठीक है? देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला है बेटा टी बी आई माइनस टी बी एफ डिवाइड बाई टी के टी बी आई प्लस टी बी एफ डिवाइड बाई 2 माइनस टी एस। सर क्या मुझे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, नहीं करना है मुन्ना, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है क्योंकि माइनस में है ना, सब्ट्रैक्शन है ना। तो आप डिग्री में डिफरेंस जब लेते हो तो 1 डिग्री का चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज, तो आपको जरूरत नहीं है। रिमेंबर दिस, आपको जरूरत नहीं है। अरे बेटा समझ, गर्मी तो बढ़ रही है।
एक काम करते हैं थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर, क्या लिखेंगे यहां पर, चलो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत गर्मी बढ़ने लग गई है। देखो आ जाओ, टीबी आई माइनस टीबीएफ, तो व्हाट इज टीबी आई, टीबी आई हमारे पास कितना है 50 माइनस 40 डिवाइड बाय टी, ठीक है 10 मिनट इक्वल्स टू के, इक्वल्स टू के। नाउ व्हाट इज टीबी आई, 50 टीबीएफ 40 डिवाइड बाय 2 माइनस कितना 25। इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गई, इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। 40 से 30 पे जा रहा है, तो चल लिखेंगे 40 माइनस 30, टाइम पता नहीं, कॉन्स्टेंट तो वही रहेगा ना, कि 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 माइनस 25। बहुत शानदार, दोनों करते हैं डिवाइड, 10 बटा 10 10 बटा 3 दोनों डिवाइड करेंगे डिवाइड, ठीक है, तो कितना आ रहा, टी आ रहा, मैं 1 डिवाइड बाय 2 कर रहा, तो टी आ रहा, के से के कट रहा, इक्वल टू 45 माइनस 25 इज 20 डिवाइड बाय 35 माइनस 25 इज 10। इक्वल टू 10 हमको मिल रहा, ठीक है। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हमने करी, यहां पर कुछ गड़बड़ हमने करी, तो ये एक 10 बचेगा यहां पर, टी बाय 10 बचेगा यहां पर, ठीक है। टी कितना आ रहा, टी हमारे पास आ रहा 20 मिनट्स आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर यहां पे मिनट्स में था, तो ये भी आंसर मिनट्स में रहेगा। तो आप देख सकते हो कि पहला 10 डिग्री का जो लॉस हो रहा वो 10 मिनट में हो रहा, अगला 10 डिग्री का लॉस 10 मिनट में नहीं हो रहा, अगला 10 डिग्री का लॉस 20 मिनट में, समय ज्यादा लग रहा है उसको, हर 10 डिग्री के लॉस के लिए समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो बेटा क्या ये एग्जैक्ट आंसर है, नहीं बेटा ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, अप्रोक्सीमेशन खेल रहे हैं सारे यहां पर, बड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूले से भी निकालोगे ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या था आपके पास, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये रहा, तो भी लगभग इसी के आसपास ही आपको समय मिलेगा, बट इससे कैलकुलेशन करना इज वेरी वेरी टफ। तो बड़ा इसके ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस आएगा और आपका आंसर 20 मिनट आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं आगे की चर्चा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमने सीख लिया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे पास लॉ होता है उसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये क्या चीज है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या चीज है, तो पहली बात बेटा ये होता है एक ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाने के लिए कह देते हैं और ब्लैक बॉडी नहीं देते हैं, मतलब कुछ एमिसिविटी भी दे देते हैं उसकी, तो घबराना नहीं है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा देना घबराना नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक ग्राफ अगर हम बनाएं एमिशन के लिए, बॉडी के एमिशन के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हर एक वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। तो हमने ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाया और एक बॉडी हमने ले ली, उसका कुछ टेम्परेचर है, तो बेटा वो सारी वेवलेंथ एमिट कर रही है, वो जो बॉडी है ना, जो ये भी बॉडी है बेटा, ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वेवलेंथ को एमिट कर रही है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ नहीं एमिट कर रही, सारी वेवलेंथ एमिट कर रही, लेकिन कुछ ज्यादा कर रही कुछ कम कर रही। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है हमें, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एक पीक आती है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा मैक्स। अब बोल तो उसको लैम्डा मैक्स रहे हैं और बॉडी का टेम्परेचर कितना है, टी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम वेवलेंथ है ये, नहीं। लैम्डा मैक्स का मतलब क्या है, लैम्डा मैक्स का मतलब है वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम एनर्जी is emitted, वो wavelength जिसके corresponding maximum energy emit हो रही है, that is the lambda max. So lambda max क्या है, वो wavelength जिसके corresponding maximum energy emit हो, that is the lambda max. I hope इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि lambda max क्या होता है, ठीक है। तो अब हमें lambda max मिल चुका, अब हम कह रहे हैं कि lambda max जो है वो पीक को रिप्रेजेंट कर रहा और टेम्परेचर क्या है, टी। बट व्हाट इफ वी चेंज द टेम्परेचर, हाउ विल दिस ग्राफ चेंज इफ वी चेंज द टेम्परेचर, ठीक है। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कह रहा है कि जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम है लैम्डा मैक्स,
और जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे वो लैम्डा मैक्स आ रहा है, उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हो रहा, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, लैम्डा मैक्स विल डिक्रीज। जो ये कांस्टेंट आता है, इसकी वैल्यू आती है 2.898 × 10⁻³, और ये है आपका मीटर में, ये है आपका केल्विन में, मीटर केल्विन, इट्स नॉट मिली केल्विन, इट्स मीटर केल्विन, ध्यान रखना, ठीक है। सो 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, दैट इज द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल से मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एक आयरन का पीस है जिसको आपने भट्टी में डाल दिया और वो गर्म करते जा रहे, तो सबसे पहले वो आयरन का पीस जो है वो आपको लाल दिखना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे बेटा वो येल्लो होगा, ग्रीनिश होगा, येल्लोइश होगा, और फिर उसको और हीट करने पर बेटा वो ब्लूइश हो जाएगा। तो जो रंग है वो चेंज क्यों हो रहा, रंग इसलिए चेंज हो रहा कि पहले वो नहीं दिख रहा था, तब उसका टेम्परेचर कम था, वो नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? बिकॉज तब वो इंफ्रारेड जोन में मैक्सिमम एनर्जी को एमिट कर रहा था, और बाकी सारी जोन में जो एनर्जी एमिट हो रही थी वो इतनी कम हो रही थी, डिटेक्टेबल नहीं थी, बहुत कम थी, वेरी लो। पर जैसे जैसे आपने उसको हीट करना शुरू किया, जिस वेवलेंथ के लिए वो एनर्जी ज्यादा एमिट कर रहा था, पहले वो रेड हुई, फिर वो येलोइश या ग्रीनिश हुई, फिर वो ब्लूइश हुई। तो मुझे पहले बताओ कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अगर मैं लिख रहा हूं विबग्योर, पता है ना क्या होता है विबग्योर, कमेंट करके बताओ विबग्योर क्या होता है, व्हाट डज विबग्योर स्टैंड फॉर, विबग्योर क्या होता है कमेंट करके बताना मुझको, ठीक है। तो विबग्योर में बेटा वी तो वायलेट है, रेड जो है वो क्या है, रेड है, आर क्या है, रेड है, ठीक है। तो बताओ मुझे लैम्डा किसका ज्यादा है, वायलेट का ज्यादा है या रेड का लैम्डा ज्यादा है? तो बेटा रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग लैम्डा है। बट मैं कह रहा हूं कलर जा रहा रेड से वॉलेट की तरफ, लैम्डा घट रहा, टेम्परेचर बढ़ा रहे लैम्डा घट रहा, दैट इज व्हाट मींस प्रोनो से, कि पहले लाल होगा, फिर ऑरेंज सा होगा, फिर येलोइश होगा, फिर ग्रीनिश होगा, फिर ब्लूइश होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर वॉलेट होगा, इस तरीके से उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। ओके ओके, So, गर्म करने पर लैम्डा जिसके लिए मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है वो कम होता हुआ चला जा रहा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, दिस पीक शुड शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, ये जो पीक है बेटा वो लेफ्ट में आने चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये पीक लेफ्ट में आने चाहिए, मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पीक विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। On increasing temperature, peak will shift towards left. Peak जो है वो left की तरफ shift होगी. Temperature बढ़ाने पर peak जो है वो left की तरफ shift होती चली जाएगी. पहली बात. अब करते हैं दूसरी बात यहाँ पर. दूसरी बात क्या है? Area under the graph. So area को कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं area is integration e lambda d lambda. जीरो से लेकर infinity तक. यही तो area होगा ना? यही तो area होगा. But ये होता है EP. यही तो होता है EP. अरे short term memory loss. भूल जाते यार एक तो बहुत जल्दी से ना आप लोग. भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कर देते हो। ये देखो क्या कहता मैं आपको, स्टार डाल के इसको याद करके अभी छोड़ दो, बस याद कर लो उसको। ईपी क्या है? इंटीग्रेशन जीरो टू इनफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, मतलब एरिया अंडर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ। ठीक है, चलो भाई बात समझ में आ गया आपको, चलो। ओके, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो पीक है बट वो लेफ्ट में शिफ्ट कर रही, पहली बात आपको समझ में आ रही। दूसरी बात बात करते हैं यहाँ पे, दूसरी बात की बात करते हैं यहाँ पे। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, एरिया जो है यहां पर, एरिया है ईपी के बराबर, बट ईपी क्या होता है, ईपी होता है सिग्मा, ये तो कट जाता है, और ई की वैल्यू बड़ा 1 है क्योंकि ब्लैक बॉडी है, टीबी की पावर फोर, दैट इज एरिया। सो टेम्परेचर जो है, एरिया और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है, टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है, मतलब एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर फोर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर एरिया पावर फोर के हिसाब से बढ़ रहा होगा, मतलब टेम्परेचर को डबल करने पर, ऑन डबलिंग टेम्परेचर लैम्डा मैक्स विल बी हाफ्ड, तो हाफ ही होगा ना, आधा ही होगा, इसको डबल करके आधा हो जाएगा, विल बी हाफ, बट एरिया विल बी 16 फोल्ड, एरिया 16 टाइम्स हो जाएगा,
बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा. दैट मींस अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है. इसको T2 बोलते हैं, T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा, T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा. सो पीक तो लेफ्ट में आ रही और ऊंची हो रही, पीक लेफ्ट में आ रही और ऊंची हो रही, दैट इज हाउ यू विल मेक द ग्राफ, दैट इज हाउ यू विल मेक द ग्राफ. ठीक है, शिफ्ट होने वाला है. तो एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ टीबी की पावर 4 पर डिपेंड कर रहा और लैम्डा मैक्स टी पर डिपेंड कर रहा. ये दो बातें आपको समझ लेनी है, सिंपल से क्वेश्चन इसके ऊपर आपको मिल सकते हैं. टेम्परेचर हमने दोगुना कर दिया, लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा आपसे पूछ सकते हैं, एरिया कितना हो जाएगा आपसे पूछ सकते हैं, कितने फोर्स एरिया होगा पूछ सकते हैं आपसे. तो डायरेक्ट रेशियोस आपसे आपसे यहां पर पूछी जा सकती है, सिंपल सी बात. ठीक है बच्चों, ओके बच्चा, आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, अब अगर एक छोटी सी बात और करें, अगर एक छोटी सी बात हम और कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि अब 5-7 मिनट की बात हम और यहां पे कर सकते हैं, उसको अगर सोलर कॉन्स्टेंट बोलते हैं, सोलर कॉन्स्टेंट कितना एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया अर्थ को मिल रहा सन से, वो होता है सोलर कॉन्स्टेंट. क्या है सोलर कॉन्स्टेंट? कितना एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया अर्थ को मिल रहा सन से, वो होता है सोलर कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो हमें देखो यहां पर सन है, यहां पर क्या है, सन है, ये सन है. अब सन से जो एनर्जी निकल रही, वो आगे बह रही है. ठीक है, तो मान ले सन पावर प्रोड्यूस कर रहा पी, सन पावर प्रोड्यूस कर रहा है पी, सन का रेडियस है कुछ, सन का कुछ रेडियस है हमारे पास. ठीक है ना, ये कैपिटल आर सन बोल देते हैं, ये सन का रेडियस है. ठीक, अब जो इससे एनर्जी निकल रही है ना, वो आगे बढ़ रही है. तो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक स्फीयर अगर बनाए, तो इस स्फीयर के अंदर जो एनर्जी पहुंच रही है, वो ये पावर पी तो पहुंच रही है ना, पावर पी तो पहुंच रही है हर सेकंड. जो सन से एनर्जी निकलेगी वही तो इस तक पहुंचेगी ना. तो पावर पी पहुंच रही है इस डॉटेड स्फीयर के ऊपर. ठीक है, अब इस स्फीयर के ऊपर घूम रही है अर्थ, इस स्फीयर के ऊपर कौन घूम रही है बेटा? अर्थ घूम रही है. तो ये हमारी अर्थ है, छुटकी सी अर्थ, स्मॉल अर्थ, छुटकी अर्थ. और ये छुटकी सी अर्थ पे यहां पर एक डॉट बना देंगे ना, शायद वो भी औकात नहीं है इंसान की, इतना छोटा इंसान है, इतना है इंसान. घमंड लेकिन बहुत बड़ा है इंसान, घमंड बहुत बड़ा है कि हम ही भगवान है, अपरिच गॉड है, अपरिच भगवान है. घमंड बहुत बड़ा है कि इंसान है कितना, इत्तू सा बेटा, जरा औकात ही नहीं है कुछ उसके यूनिवर्स के सामने, इत्तू सा हिस्सा इंसान है. ठीक है, इतना बड़ा सन, इत्तू सी अर्थ, इत्तू सा इंसान, और इत्तू सा मच्छर जो घूम रहा है यहां पर, इत्तू सा मच्छर मरेगा मेरे हाथ से, कोई औकात ही नहीं है इसकी, जाओ मर जाओ. ठीक है, देखो फिर आगे मच्छर ये मार दे इसको, भाग जाए बहुत तंग करता है मच्छर हमको, पता नहीं क्यों, हमारे क्लास में की बात है इतना मच्छर पढ़ने के लिए. ठीक है, तो अब सन से जो लाइट आ रही, ना यहां पर, वो लगभग ऐसी आ रही, सीधी आ रही लाइट, ऐसे लाइट आ रही होगी सन से, लगभग ऐसी लाइट आ रही होगी, सीधी यहां पर जाओगे ऐसे 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 ऐसे, तो यहां पर लगभग सीधे लाइट रिसीव हो रही होगी, बिकॉज बहुत छोटी सी अर्थ है, ठीक है. अर्थ का रेडियस कितना हमने लिया, आर ई मान लिया अर्थ का रेडियस. तो अर्थ जहां पर है वहां पर कितना एनर्जी पर सेकंड पहुंच रहा, पी एनर्जी पहुंच रहा नहीं, पी तो पूरे स्फीयर में पहुंच रहा, अर्थ को कितना रिसीव हो रहा, तो पर यूनिट एरिया देखना पड़ेगा, पर यूनिट एरिया पर सेकंड कितना एनर्जी आ रहा. तो पी डिवाइड बाय टी एनर्जी सन प्रोड्यूस कर रहा, डिवाइड बाय इसका रेडियस, कितना रेडियस इसका, 4 पाई आर का स्क्वायर. इतना एनर्जी इस पूरे स्फीयर में फैल रहा, इसके यूनिट एरिया पे इतना एनर्जी आ रहा पर सेकंड, तो अर्थ को कितना मिल रहा, अर्थ का एरिया कितना लेंगे हम. अब देखो ये क्रॉस सेक्शन देखना पड़ेगा हमें, जितना एनर्जी इस क्रॉस सेक्शन से आ रहा है, सारा अर्थ को मिल रहा, ठीक है ना. तो हम कह रहे हैं कि देखो ये हमारे पास क्या है, पावर पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, जो कितना होगा, पाई इंटू आर ई का स्क्वायर होगा. इतना एनर्जी पर सेकंड अर्थ तक पहुंच रहा है, आई बात समझ में आपको? तो आप चाहो तो यहां से पाई और पाई को कट कर सकते हो. इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि अर्थ के ऊपर कितना एनर्जी पर सेकंड आ रहा. और अगर आपको पर यूनिट एरिया चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, तो आप ये पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पर यूनिट एरिया कितना रहेगा, पर यूनिट एरिया पर सेकंड इतना एनर्जी. बट ये पी कितना है, तो अगर सन का टेम्परेचर टीएस है, सन के सरफेस का टेम्परेचर टीएस है, तो बड़ा पावर का फॉर्मूला कितना होगा, तो पावर का फॉर्मूला होगा बड़ा सिग्मा
सिग्मा, सरफेस एरिया कितना है इसका 4 पाई, रेडियस ऑफ द सन का स्क्वायर, एमिसिविटी बेटा 1 ले सकते हो सन की क्योंकि सन इज नियरली अ ब्लैक बॉडी, मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर ऑफ द सन टू द पावर 4, टेम्परेचर ऑफ द सन टू द पावर 4, बेटा ये है आपका पावर एमिटेड बाय द सन, रिसीव कितना कर रहा है नेगलिजिबल, बाकी सबसे कहां एनर्जी उसको मिल रही है, ठीक है, नेगलिजिबल एनर्जी उसको मिल रही है, ठीक है, मैक्सिमम वो रेडिएट ही कर रहा है, ठंडा होता जा रहा है सन, ठीक है, सिग्मा 4 पाई आर एस की पावर 2 TS की पावर 4, बेटा ये पावर वो प्रोड्यूस कर रहा, ये पावर वो प्रोड्यूस कर रहा, कितनी पावर उसको पर सेकंड मिल रही, कितनी पावर उसको पर सेकंड मिल रही, तो डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर करके उसको पर एरिया निकालोगे आप, और फिर अर्थ के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी पावर उसको मिल रही है आप कह सकते हो, इतनी पावर उसको मिल रही है आप कह सकते हो। आई बात समझ में आपको, क्लियर है बेटा बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सोलर कॉन्स्टेंट इज कितनी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है ना, तो उसमें आप केवल इतना फंक्शन लिखते हो पर यूनिट एरिया तक के लिए, टोटल कितनी पावर उस तक पहुंच रही है उसके लिए फिर आप पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी पर सेकंड जो मिल रही है वो लिख सकते हो, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, क्या पूछेंगे उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, एंड आज का कोट कोट ऑफ द डे है, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इन इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। बेटा आज आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, आज आप लोग मेहनत कर रहे हो, आज आप लोग आकर पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका मन कभी कभी खट्टा हो जाता है, सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सर मजा नहीं आ रहा, मतलब परेशान हो गया मेहनत करते करते, तो जो स्ट्रगल आप लोग बेटा आज कर रहे हो ना बेटा, वही आपका कल का फ्यूचर जो है बनाएगा, वही आपका बेटा कल का फ्यूचर बनाएगा। अलग सर ने भी बेटा एक लंबे समय तक बेटा यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया, ठीक है ना, तब जाकर उनके पास इतना प्यार और आप लोगों का भरोसा उन्होंने जीता, ठीक है ना। मैं भी बेटा 10 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं, तब जाकर मुझे यहां पर पढ़ाने का आपके सामने मौका मिला, आप लोगों तक पहुंचने का मौका मिला। एक स्ट्रगल है बेटा जो आपको करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और वो स्ट्रगल आप जब करते हो तो उसी से आपका फ्यूचर जो है निर्धारित होता है। अगर आप सोचो मैं स्ट्रगल ना करूं, तो अगर आप उस पोजीशन पे पहुंच भी जाओ बिना स्ट्रगल करे किसी भी तरीके से, तो आप टिक नहीं पाओगे, आप टिक नहीं पाओगे उस पोजीशन पर, आपको एक स्ट्रगल, एक जर्नी से गुजरना ही पड़ेगा अपने आप को उस लायक बनाने के लिए, उस वर्थ बनाने के लिए। तो स्ट्रगल से घबराओ मत, स्ट्रगल है तो खुश हो जाओ, ठीक है ना, स्ट्रगल है तो बेटा खुश हो जाओ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, मेहनत करो, दम लगाओ और फोड़ के आओ, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, मिलेंगे अगली क्लास में, सी यू, टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।